इसका इंडोर यूनिट बहुत बड़ा है, इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स। सो जितनी जल्दी ये एयर कंडीशनर उस टारगेट को अचीव करेगा तो ये लोअर फ्रीक्वेंसीज पे काम करना शुरू करेगा। अब एनर्जी एफिशिएंसी कैसे आएगी, एक बेसिक ऑफ द बेसिक्स तो आपको EER मिल गई। अब मैं बात करूंगा इसमें लगे मेन कंपोनेंट की, वो है इसका कंप्रेसर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हुआ मेर उमर इलेक्ट्रॉनिक्स से, और आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं डॉलर्स के 2024 एयर कंडीशनर में मौजूद एक नए मॉडल का। इस प्रोडक्ट का मॉडल कोड है मेगाफ्लेक्स। इस प्रोडक्ट का रिव्यू हम इसलिए कर रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, अगर मैं इस प्रोडक्ट की मेगाफ्लेक्स की बात करूं, एक तो इसका इंडोर यूनिट बहुत बड़ा है, इसके अलावा कुछ ऐसे फीचर्स जो कि इसके लाइनअप में मौजूद बाकी मॉडल्स में नहीं है। तो चलिए आज का रिव्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसके फीचर्स और फंक्शंस को। ये जो सामने प्रोडक्ट डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रही है, ये 1.5 टन का मॉडल है। इसकी हीटिंग एंड कूलिंग कैपेसिटी 18,000 BTUs पर आवर है। अब मैं बात करूंगा इसमें लगे मेन कंपोनेंट की, वो है इसका कंप्रेसर। ये है ट्विन रोटरी ट्रॉपिकल कंप्रेसर जो कि हाई एम्बिएंट टेम्परेचर के लिए डिजाइंड है। अगर एम्बिएंट टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर 52 डिग्री सेल्सियस के अराउंड होंगे तो ये अपनी कूलिंग पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। अब मैं बात करूंगा इस कंप्रेसर में डली हुई रेफ्रिजरेंट की, तो ये R32 रेफ्रिजरेंट के साथ आता है। ये R410 से 28% लाइटर होती है इन वेट। अगर मैं ये कहूं कि ये मोस्ट लेटेस्ट या एडवांस रेफ्रिजरेंट है तो ये गलत ना होगा। अब जिन पाइप्स में से ये रेफ्रिजरेंट मूव करेगी, ये 100% कॉपर के बने हुए हैं। सो अगर ओवरऑल बिल्ड की बात करूं तो बहुत सॉलिड प्रोडक्ट है। अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि इसकी ईआर क्या है, ये कितना एनर्जी एफिशिएंट है। तो इस स्पेसिफिक मॉडल की ईआर है 3। 3 एंड अबव ईआर जो है वो अच्छी समझी जाती है एयर कंडीशनर्स के लिए। अब पाकिस्तान में इलेक्ट्रिसिटी की पर यूनिट कॉस्ट डे बाय डे बढ़ती जा रही है, और सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हमने वो एयर कंडीशनर लेना है जो कि एनर्जी एफिशिएंट हो। अब एनर्जी एफिशिएंसी कैसे आएगी, एक बेसिक ऑफ द बेसिक्स तो आपको ईआर मिल गई। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो है एक एनवायरमेंट जो आपने इस एयर कंडीशनर को देना है, उसमें से चंद एक चीजें मैं डिस्कस कर लेता हूँ। मेरी सभी वीडियोज में ये चीजें आपको मिल जाएंगी। जैसा कि सबसे पहले आपने सिलेक्ट करना है कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए अपने रूम साइज के मुताबिक। अगर वॉल माउंट स्प्लिट यूनिट की बात की जाए तो ये 1.5 और 2 टन की कैपेसिटीज में आते हैं। सो रूम साइज के मुताबिक आपने एयर कंडीशनर सिलेक्ट कर लिया। अब रूम का साइज, रूम में लगी फॉल सीलिंग, ये भी मैटर करेगी। देन इस एयर कंडीशनर का जो आउटडोर यूनिट है वो शेडी एरिया में लगा होना चाहिए। अब जब आप एयर कंडीशनर को ऑन करते हैं तो मेक श्योर कीजिए कि सीलिंग फैन भी ऑन हो ताकि रूम में एयर की सर्कुलेशन जारी रहे। इसी तरह थर्मोस्टैट, जो आपने एक टारगेट देना है इस एयर कंडीशनर को, यानी कि आपका रिक्वायर्ड टेम्परेचर, कोशिश करें कि ये 24 डिग्री सेल्सियस से 26 डिग्री सेल्सियस के दरमियान होना चाहिए। सो जितनी जल्दी ये एयर कंडीशनर उस टारगेट को अचीव करेगा तो ये लोअर फ्रीक्वेंसीज पे काम करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी कम आएगा। अब मैं इस एयर कंडीशनर में मौजूद एक फंक्शन को डिस्क्राइब करूंगा, वो है इसमें शिफ्ट मोड, जिसे एम्पेयर लॉकिंग, गियर मोड या जनरेटर मोड भी कहते हैं। इस फंक्शन में आप एयर कंडीशनर की कैपेसिटी को डाउनग्रेड कर सकते हैं। यह आपको 3 ऑप्शंस देगा, 100%, 75% और 50% की। ये उस वक्त कार आमद होता है कि जब आपके घर में एक जनरेटर है और इसकी कैपेसिटी कम है, जो इस 1.5 टन एसी को रन नहीं कर सकता, आप इसकी कैपेसिटी को डाउनग्रेड कीजिए। सेकेंड थिंग, अगर आपके घर में UPS है तो आप इस लोड को डिवाइड कर सकते हैं बाय रिड्यूसिंग इट्स कैपेसिटी। इसका एक और अहम फंक्शन वो है सेल्फ क्लीनिंग का फंक्शन। अब एक एयर कंडीशनर जब चल रहा होता है तो ये जो फिन्स हैं एवेपोरेटर के राउंड, यहाँ मोल्ड या डस्ट पार्टिकल्स इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं इवन इस फिल्टर के ऊपर। इस फिल्टर की क्लीनिंग तो आप मैनुअली करेंगे, जबकि एवेपोरेटर की जो फिन्स हैं इसकी क्लीनिंग ये एयर कंडीशनर खुद करेगा फ्रॉस्टिंग और डिफ्रॉस्टिंग के मेथड से। जब आप रिमोट पे दिए गए बटन को प्रेस करेंगे तो यहाँ फ्रॉस्टिंग यानी कि बर्फ बनना शुरू होगी, और फिर इसको ये मेल्ट डाउन करेगा, डिफ्रॉस्ट करेगा, और जो भी मोल्ड या गंदगी है वो मेल्ट होकर ड्रेनेज पाइप से बाहर निकल जाएगी। जब भी आपको सेल्फ क्लीनिंग करना है तो आपको एयर कंडीशनर को स्टैंड बाय मोड पे रखना होगा। ये प्रोसेस 20 से 25 मिनट का होता है।
सो ये जो सेल्फ क्लीनिंग है वो मंथ में 1 से 2 दफा करनी चाहिए। डिपेंड करता है कि रूम का एनवायरनमेंट कैसा है या मौसम कैसा चल रहा है। एयर कंडीशनर 4-way कूलिंग के साथ आता है। डक्ट में लगे फ्लैप्स की मूवमेंट जो है अप एंड डाउन एंड राइट एंड लेफ्ट होगी। इस एयर कंडीशनर के इंडोर और आउटडोर में लगी फिन जो है वो गोल्डन कलर्ड है। ये एंटी रस्ट होती है और एंटी क्रोसिव भी। टर्बो कूलिंग के साथ आता है यानी कि सेकेंडों में ये रूम को कूल डाउन करेगा। जहां तक बात है डॉलर्स की तरफ से अपने एयर कंडीशनर्स पे वारंटी की, तो डॉलर्स अपने एयर कंडीशनर के कैपेसिटर पे 12 इयर्स की वारंटी देता है। ये 2 इयर्स एडिशनल है, बाकी अगर हम ब्रांड्स के साथ इसका कंपैरिजन करें देन पीसी बोर्ड पे 4 इयर्स की और इसी तरह पार्ट्स पे 1 ईयर की वारंटी देता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक एंड शेयर, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।